राधा कुंड के तट पर आठों सखियों का जो कुंज है
उन कुंज में सदा काम रंग ही खेलती। आप हमेशा काम रंग के द्वारा खेलती, आप खेलते हैं। अतयो प्रियात अतीव प्रिय, आप लोगों का अतिशय प्रिय जो राधा कुंड है, इस पूरे ब्रज मंडल में जो लाडली लाल का विहार स्थली है, राधा कुंड का तट, चेत यदि राधा कृष्णयोस्तीवं प्रियं तत् इति हेतु कृपया मम जीवितम्। प्रियालाल दोनों इस कुंज में विहार करते हैं, इसलिए ये कुंज हमारा जीवितम है। इसी कुंड के चलते मैं जीवित हूँ, राधा कुंड के लिए। ताम इमाम अद्य दर्शय, आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आप यदि चाहें तो मम जीवन रूपां इमाम राधा अद्यम दर्शय, हमारा जीवन स्वरूप श्रीमती किशोरी जी हैं राधा रानी, उनको अभी मुझे दर्शन करा दीजिए। आचार चरण राधा कुंड के तट पर मेरी ईश्वरी श्री राधा अपने प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर के साथ राधा कुंड के तटीय राधा कुंड के तट पर जो किशोरी जी की सखियों का कुंज है, इन कुंज में विविध प्रकार के आप काम विलास करते हैं, प्रियालाल का लीला चलती रहती है। तुम उन दोनों के प्रिय से भी अति प्रिय हो। ये राधा कुंड क्या है? प्रियालाल का सबसे प्रिय स्थल राधा कुंड, प्रिय से भी अधिक प्रिय हो। प्रिया जी आप पर कृपा करते हैं, इसलिए हे राधा कुंड, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जीवन स्वरूप श्री किशोरी जी का मुझे दर्शन कराए। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी का चित्त तन्मय हो गया है प्रिया जी की सेवा में। पिछले श्लोक में अपनी अयोग्यता प्रकट की है। जब तक साधक को अपने ओर दीनता प्रकट नहीं होगी तो प्रिया जी साधन से प्रसन्न नहीं होती। प्रिया जी को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है दीनता, दीन दीन मान। भला साधन से उनको कैसे पकड़ सकता है? नाय मात्मा प्रवचने न लब्धा न मेध्या न बहुधा श्रुतेन, वो जो परम तत्व है वो साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। और कृपा किशोरी जी की तभी प्रकट होती है जब जीव अपने आप को दीनहीन समझे। जब अपने में दैन्यता नहीं आएगी तो कृपा संभव नहीं। सेवा से और अहंकार बढ़ता है, साधन जितना करेंगे तो अहंकार बढ़ेगा। इसीलिए सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, केवल कोई सेवा करता है तो अहंकारी हो जाता है, इसका कारण पता चलता है। इसलिए बार बार दोनों काम एक साथ चलना चाहिए, सेवा और कथा। सत्संग भी नित्य चले और सेवा भी नित्य चले। सेवा करने से जो अहंकार होता है उसकी पिटाई सत्संग में हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े साधक लोग अपने साधना विमान से पतन हो गए और एक नीच दीनहीन पतित अपने को मानने वाला जीव भगवत प्राप्त का कारण बन गया। अब देखिए साक्षात प्रकट रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी साधारण नहीं है, उन्हें नित्य लीला परिकर है, लेकिन कहते हैं कि हम मल के कीड़े से भी अधिक नीच हैं, ऐसी दीनता। सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कवन कुटिल खलकावे, जिन तन दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हराम। जिनके साथ भगवान खेलते हैं और वो कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे समान कुटिल कामी कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं सुनियब नरकहु नाक सिकोड़ी, अरे तुलसिया अपने को गाली दे रहे हैं, तुम सोचता है कि रामचरितमानस रामायण लिख लिया तो बड़ा हो गया, अरे तुम्हारे घिनौने कर्म की याद नारकी प्राणी करेंगे तो अपने नाक सिकोड़ोगे। ये तुलसी इतना गंदा आदमी था, ये लोग गंदा है नहीं,
लेकिन ये दीनता जत दैनम तत् कृपा हेतु नम मास्ति मम मानवपि, जिससे ठाकुर जी मिलते हैं वही है ये दीनता। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे राधा कुंड, आप प्रियालाल के नित्य खेलन स्थल निवास स्थली है। प्रियालाल का नित्य विहार स्थली कौन है? तो राधा कुंड। राधा कुंड के तट पर प्रिया प्रियतम का नित्य विहार चलता रहता है। गोविंद लीलामृत में तो इसकी स्थिति बताई है। जो साधक लोग नित्य अष्टयाम सेवा करते हैं, बैठ करके प्रिया जी की लीलाओं का चिंतन करते हैं, वो जानते हैं राधा कुंड की महिमा। ये राधा कुंड कौन है? तो साक्षात प्रिया जी है राधा कुंड, और श्याम कुंड साक्षात श्री कृष्ण है। दोनों श्री कृष्ण प्रेम में जब द्रवीभूत हो जाते हैं तो राधा कुंड हो जाते, श्याम कुंड हो जाते हैं, और प्रिया जी जब प्रेम में तरल हो जाती है तो राधा कुंड हो जाते। साधक लोग जब प्रिया जी के उस राधा कुंड का चिंतन करते हैं तो गोविंद लीलामृत में लिखा गया है कि उस राधा कुंड के अंदर कुमुद कमल कल्हार उत्पल इत्यादि पुष्प खिले हुए, उसके सुगंध से पूरा राधा कुंड नित्य सुगंधमय हो गया है। और सुगंध को देह करके हमेशा दसों दिशाओं से भमरा मंडराते रहते हैं पुष्प। राधा कुंड के अंदर दिव्य श्री कृष्ण की लीला उत्प्रेरक उद्दीपन, जो हंस चातक सारस सारसी इत्यादि जो पक्षी हैं वो कलरव करते रहते हैं, राजहंस राजहंसी सुख सारिका आदि पक्षी आनंद से वहाँ विस्तार करते रहते हैं। और उस कुंज के अंदर गोविंद लीला में तुम्हें लिखा गया है कि राधा कुंज के उत्तर दिशा में ललितानंद कुंज है, उत्तर दिशा में है ना, उत्तर दिशा में ललितानंद कुंज है, अनंगांबुज कुंज भी उसको कहते हैं। उसके अंदर आठ प्रकार का उपवन है, उपवन की बहुत विस्तार से कई अध्यायों में वर्णन है गोविंद लीला में। साधकों की वहां पर सेवा है। और राधा कुंड के पूर्व दिशा में विचित्रानंद कुंज है, जो चित्रा सखी का कुंज है, और उसमें चतुर्दिक बहुत सुंदर सुंदर वन उपवन लगे हुए हैं। राधा कुंड के अग्नि कोण में इंदुलेखा का कुंज है। देखिए राधा रानी और श्री कृष्ण का एक भी कुंज नहीं है, कुंज केवल सखियों का है। और प्रत्येक कुंज में प्रियालाल का नित्य विहार चलता रहता है। किस कुंज में? किसी कुंज में भोजन लीला, किसी कुंज में स्नान लीला, ये सब चलता रहता है, जल के लिए चलती है। तो उसके ठीक अग्नि कोण में इंदुलेखा का कुंज है, उसको पूर्णेंदु कुंज भी कहते हैं। लगता है चंद्रमा का ज्योत्सना से वह कुंज समुज्वल हो रहा है। और उस कुंज में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हैं, पशु पक्षियां हैं, कलरव करते हैं, जिनकी आवाज सुन करके प्रियालाल एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। राधा कुंड के दक्षिण दिशा में चंपक लतानंद कुंज है, जिसको हेम वर्ण कुंज भी कहते हैं। बिल्कुल स्वर्ण जैसा चमकता रहता है, उसमें कोष्ठ प्रकोष्ठ बरामदा मंडप इत्यादि बना हुआ है। राधा कुंड के पश्चिम में यदि जाएंगे तो वहां तुंग विद्या का कुंज है, जिसको अरुण वर्ण कुंज कहते हैं। वहां पर लाल लाल पुष्पों से आविष्टित कुंज है, अरुण वर्णा इनका पुष्प। इसके आगे वायु कुंड में जाएंगे तो सुदेवी जी का कुंज है। ये साधक लोग रोज ध्यान करते हैं उस राधा कुंड का। और सुदेवी जी का जो कुंज है वो हरित वर्ण का है, बिल्कुल वहां हरित वर्ण के पुष्प हैं, हरित वर्ण के पक्षी हैं, हरित वर्ण के वहां क्रीड़ाएं करते रहते हैं। वहीं पर प्रियालाल पासा क्रीड़ा करते हैं। पासा क्या कहते हैं इसको? पासा कहते हैं ना? पासा इधर क्या कहते हैं लोग? चौसर। चौसर खेलते पहले के राजा महाराजा चौसर खेलते थे ना, तो प्रियालाल भी वहां चौसर खेलते। पासा खेलत हैं प्रिय प्यारे का।
उसमें सखियां आनंद से विभोर होकर के उस लीला में, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा दाव लगता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। आप उसके बाई कोण पर सुदेवी जी का जो जहां पर भगवान वहां पर पासा खेलते हैं, कहीं हिंडोल लीला है, कहीं स्नान लीला है, इस प्रकार के राधा कुंड के तटवर्ती चारों तरफ से एक कुंज बना हुआ है और राधा कुंड के बीच में जल के मध्य में राधा रानी की जो छोटी बहन है जिसका नाम अनंग मंजरी है, वो अनंग मंजरी का शनि कमल के सदृश एक कुंज है जिस पर प्रियालाल नौका विहार करके वहां पर आते हैं और जुगल सरकार का आवागमन होता रहता है उस राधा कुंड में। ये जो नित्य लीला है वृंदावन का, जो वृंदावन हम लोग देखते हैं ऐसा वृंदावन नहीं, अलौकिक वृंदावन है वृंदावन, राधा कुंड श्याम कुंड। गर्ग संगीता में तो लिखा गया है गिरिराज की ऊंचाई लंबाई, ये गिरिराज गोवर्धन हिमालय पहाड़ से भी बड़े, इतने लिखा गया है गर्ग संगीता, इसीलिए इनका नाम है गिरिराज, समस्त गिरियों में श्रेष्ठ है, ये साक्षात प्यारे श्याम सुंदर के हृदय से प्रकट हुए, इनकी अद्भुत महिमा है। जैसे राधा कुंड बरसाना आप लोग जाएंगे तो आठों सखियों की गांव है, प्रत्येक गांव में जाएंगे तो आठों सखियों की लीला स्थली है, बरसाना का ठीक सामने नीचे चित्रा सखी का है, ऊंचा गांव में ललिता सखी का है, राकोली में रंग देवी का है, सुनहरा में सुदेवी जी का है, यहाँ डभारा में जाएंगे तो तुम विद्या सखी का है, ये आठों सखियों का कुंज गाँव है और उन सब सखियों का कुंज राधा कुंज जो हम जहाँ दोपहर की लीला ठाकुर जी वहां पर करते हैं। और उसी तरह श्याम कुंड में भी आठ कुंज है, बाय कोण पर सुबल सखा का कुंज है, उस कुंज को राधा रानी को दे दिया है सुबल सखा, ठीक ईशान कुंड में उज्ज्वल सखा, जैसे श्री राधा रानी की आठ सखियां हैं वैसे श्री कृष्ण की भी आठ सखा हैं, सुबल मधुमंगल उज्ज्वल अर्जुन गंधार विदग्ध भीम और दक्ष, ये आठ सखा और आठों सखा का कुंज है श्याम कुंज है। और सभी लोग अपना अपना कुंज को सखियों को दे दिया है, कोई ललिता जी को, मधुमंगल ने ललिता जी को दे दिया है, उज्ज्वल सखा ने विशाखा सखी को दे दिया है, कोई चित्रा को, इंदुलेखा को, आठों सखियों को एक कुंज है। और इन कुंजों का याद कर रहे हैं कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी याद करके कहते हैं कि हे श्री सरोवर सदा त्वयि सामदीशा, हे सरोवर आपके चारों तरफ प्रिया प्रियतम का नित्य विहार स्थली है, नित्य विहार चलता रहता है, यहाँ क्या करते हैं तो प्रेष्ठ न सार्धमीह खेलती काम रंगई, ये प्रियालाल कुंजों में क्या करते हैं तो अपनी लीला सफल करते हैं। जो आचार्य लोग कहे हैं कि उस कुंज में क्या करते हैं तो भगवान की लीला है सब, प्रियालाल के जो रसिक महापुरुष हैं, रसिक जन हैं, उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं, बोलते हैं राधा कुंड के तट पर कौन कौन सी लीला होती है, जैसे महावाणी में उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने निकुंज रहस्य इत्यादि जो ग्रंथ अद्भुत दिव्य ग्रंथ लिखे, उन सब ग्रंथों में क्या करते हैं प्रिया जी और श्याम सुंदर के साथ, उस लीलाओं का वर्णन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे कुंड आप साक्षात प्रिया प्रियतम के विलास स्थली हैं, विलास के उद्दीपन हैं, आपके प्रसाद से हमारे जैसा अयोग्य व्यक्ति भी, हम किसी योग्य नहीं हैं, लेकिन चाह बहुत बड़ा है उस प्रिया प्रियतम की दिव्य खेली का दर्शन करना, उनका दर्शन कितना बड़ा है, लेकिन यह मैं जानता हूँ अपिजन यह कश्चित जस्य सेवा प्रसादे,
यदि आप कृपा कर दे तो प्रणय सुर लता गोष्ठेन्द्र सुनो। प्रियालाल का जो प्रणय लीला है वो शब्द किल मदीसा दास पुष्प प्रसस्या, आप यदि ऐसा कृपा कर दे तो तदपि सुर भी राधा कुंड देवाश्रयो में दीन हीन। देखिए धाम की विशेषता है कि अयोग्य प्राणी भी यदि इस धाम का आश्रय ले लेता है जिसमें कोई साधन नहीं है, साधन भजन शून्य है, लेकिन धाम का आश्रय ले लेता है तो धाम का जो दिव्य सद्गुण है उस साधक के हृदय में प्रवेश कर जाए। तो कहते हैं कि अपि जन यह कश्चित जस सेवा प्रसाद है, यदि कोई जीव इस राधा कुंड के तट पर व्रज भूमि में कोई वास करता है, राधा कुंड में स्नान करता है, स्नान भी नहीं करता है तो दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो इत्यादि सेवा के द्वारा आप प्रियालाल की दिव्य प्रेम के लिए रहस्य को दे देते हैं। हम एक प्रियालाल जी प्रिया कुंजों में क्या करते हैं तो भगवत रसिक जी कहते हैं कि देखो मैं सदा अपने को साधक को जब प्रियालाल का दिव्य सेवा प्राप्त हो जाता है तो कहता है हम रसिक अनंत प्रिया प्रिय कुंज महल के वासी, नव नव केल दिलों के छिन छिन रति विपरीत उपासी, वीरी वसन सुगंध आरसी रुखलय करत खवासी, देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी कही कही भगवत दासी। जैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे प्रिया जी अपनी सहचरी अपनी मंजरी अपनी दासियों पर अतिशय कृपा करती है। जिस जो दासी प्रिया जी की सेवा करती हैं तो दासी पर प्रसन्न होकर के प्रिया जी अपना सर्वस्व दान दे देती है। अरे दे डाला निज प्यार से प्रिया जी अपना संपूर्ण प्यार मंजरियों को दे देती है। तो हे मनोरम कुंड हे राधा कुंड आप राधा दास रूपी पुष्प दल से सुशोभित कृष्ण प्रेम लता को हमें दान दे दीजिए। देखिए स्नान करने से मिल जाता है, वे ही अति रमणीय कुंड के आश्रय हो, जो राधा कृष्ण के प्रेम स्थली है वही राधा कुंड के तट पर मेरा आश्रय हो, राधा कुंड को तज कर मैं कहीं जाऊं ना। राधा कृष्ण के परम प्रियतम कुंड, इस कुंड के चारों ओर निर्जन अति सुरम्य मनोहर दिव्य अष्ट सखियों का जो कुंज है वो अति रहस्यमय है। तभी श्रीपाद ने ब्रज विलास अस्तव में गाया है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदा विपिन सुरम्यपि तक्षिमान सगोवर्धन सारा सस्थलिकाप्यलम रसमयी किं पावदन्यस्थल। कहते संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, ये वृंदावन की तुलना कोई तीर्थ नहीं कर सकता है। ये साक्षात प्रिया जी ही धाम के रूप में, भगवान ही धाम के रूप में अवतरित है, धाम नाम रूप लीला धाम चतुर एक चारों एक समान है। ये राधा माधव के विलास स्थली होने के कारण वृंदावन की महिमा अपूर्व है अतुलनीय है, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन है जहाँ गिरिराज जी की गुफाओं में राधा माधव की निवृत्त निकुंज की लीला हुई है। उस राधा कुंड में क्या हुआ है, आलिंगन चुंबन नक्षत दंसत संवेशन शिकार विपरीत रति नोकझोंक अष्ट महाभाव के द्वारा प्रियालाल एक दूसरे से मिलते हैं, उस लीला का अधिकारी कौन है तो गिरिराज जी की गुफा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि गिरिराज हरिदास बलि है सबसे श्रेष्ठ है, जो रस किसी को प्राप्त नहीं हुआ वो रस गिरिराज को। गिरिराज की तलहटी में प्रियालाल का दिव्य विहार हुआ है। ये परम रहस्यमय रास स्थली कहाँ है तो गिरिराज जी के हृदय, और गिरिराज जी से भी श्रेष्ठ कौन है तो राधा कुंड है। रूप गोस्वामी पाद बड़ा सुंदर उपदेशामृत में इस रहस्य को खोले हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा।
राधा कुंड की इतनी विशेष महिमा, कहते हैं कि अरे और को तो बात ही छोड़ो, राधा कुंड की तुलना वृंदावन नहीं कर सकता है, गिरिराज जी नहीं कर सकते हैं, अरे लव मात्र भी राधा कुंड की कोई तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि राधा कुंड कौन है तो साक्षात प्रिया जी, ये राधा कुंड है कौन तो प्रिया जी। ऐसी बात नहीं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर रहते हैं इसलिए कुंड की इतनी भरी महिमा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण में भी देखने में आता है, पद्म पुराण में भी कहा गया है, साक्षात श्री हरि अपने मुंह से कहते हैं कि जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंड प्रियस्तथा, ये साक्षात श्री ठाकुर जी की वाणी है कि जथा राधा प्रिया अनंत कोटि ब्रज गोपियों में सर्वश्रेष्ठ किशोरी थी, इसी को महाराज बड़ा विस्तार से श्री सनातन गोस्वामी पाद ने एक बृहद भागवतामृत ग्रंथ की रचना की है, उसमें किशोरी जी की महिमा सर्वोपरि है, गोपियों की महिमा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, इसका बड़ा कथानक द्वारा समझा है कैसे श्रेष्ठ है राधा, कैसे श्रेष्ठ राधा रानी, गोपियां सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं, इसका बड़े एक नहीं बहुत पुराणों से बताया गया है, भगवान यहाँ तक कहते हैं हमारे रहस्य को केवल गोपीजन जानते हैं, गोपियों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, हम क्या करना चाहते हैं ब्रह्मा नहीं जानते, शिव नहीं जानते, अरे कहाँ तक कहें हमारा भाई दाऊ भी नहीं जानता, बलराम जी भी कृष्ण के विषय में नहीं जानते, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं लक्ष्मण भी यह भेद न जाना जो कछु चरित्र रचा भगवान, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि खुद दाऊ जी एक बरस तक लीला चली ब्रह्मलोक, लेकिन दाऊ जी को पता नहीं, एक दिन दाऊ जी गए गिरिराज जी की तलहटी में, श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया, गोचार के जितने ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल अपने पिताजी से मिले, और उनके पिता जो आए थे कलेव लेकर, ग्वाल बाल तो उन लोग और बछड़े गैया से, और कृष्ण थक थक देखते रहे कि उनके पास कोई आया ही, और दाऊ जी सोचे कि क्या बात है भाई, सब ब्रजवासी तो श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, आज ब्रजवासी अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं और गैया अपने बछड़ों से प्यार कर रहे हैं, ये क्या बात है, ये दाऊ जी को समझ भी नहीं आती, दाऊ जी ध्यान करके देखते हैं कि जितने बछड़े हैं सब कृष्ण, जितने छोटे छोटे ग्वाल है वो सब का नहीं है, तो उनको समझ में आ रही है, जिस लीला को ठाकुर जी करना चाहते हैं इस कथा को, इस रहस्य को दाऊ जी नहीं जानते, कहाँ तक कहें उनके माता पिता शिव ब्रह्मा कोई नहीं जानता, कृष्ण के रहस्य को केवल गोपियां जानती, गोपियों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, और गोपियों से भी श्रेष्ठ कौन है तो राधा, चैतन्य चरितामृत में स्वयं श्री हरि कहते हैं कि देखो मैं पूर्णानंद चिन्मय पूर्ण तत्व, पूर्णानंद मय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमी आमा कराय उन्मत, न जानी राधारे प्रेम अच्छे कौत भवन जीवले अमार परि सर्वदा विमो, हम आज तक पता नहीं लगा पाए कि राधा रानी में कौन ऐसी शक्ति है कि मैं पूर्णानंद पूर्ण ब्रह्म को भी पागल बनाए, चौबीसों घंटा श्री कृष्ण केवल राधा 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 कहते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि हमारे सौ नाम से भी श्रेष्ठ राधा का एक नाम, मम नाम सदे नहीं वह राधा नाम सदुत्तमा, जह स्मरत सदा राधा न जाने तस्य किम फल, सौ बार कृष्ण 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 कोई कहता है और एक बार राधा कहता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमारा सौ नाम से श्रेष्ठ मेरा राधा का एक नाम, मम नाम सदे नहीं वह राधा नाम सदुत्तमा, जह स्मर तो सदा राधा न जाने तस्य किम फल, हम पूर्ण ब्रह्म होने के बावजूद भी यह नहीं बता सकता हूँ कि जो राधा कहता है उसको कितना पुण्य मिलता है, राधा बाबा तो कहते थे कि राधा से भी लगता मुझको अधिक प्रिय श्री राधा नाम, यहाँ तक पुराणों में लिखा गया है केवल रा कहते ही, अब रा में क्या कहेगा पता नहीं, रा कहते ही ठाकुर जी दौड़ पीछे पीछे दौड़ जाते, अधा कहते हैं भगवान उसको पकड़ लेते, राधा नाम की इतनी महिमा है, तो जितना राधा रानी प्रिय है श्री कृष्ण को
पद्म पुराण में लिखा गया है जितना श्याम सुंदर राधा रानी से प्यार करते हैं, जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंद प्रियस्त। क्योंकि हम लोग कितने बड़भागी हैं कि राधा कुंड का दर्शन का स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त। जैसे राधा श्री कृष्ण को प्रिय है, प्रिया है, तस्या कुंडम प्रियस्त था सर्व गोपेश सेविका विश्वस्त वर्ण। जैसे समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, उसी तरह महाराज ये कुंड की महिमा है। राधा कृष्ण की जैसे प्रिय स्थली है, वैसा कुंड के राधा कुंड के समान और कोई कुंड नहीं है। केम क्योंकि यहाँ उज्ज्वल रसपूर्ण स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण प्रिया जी के साथ विहार करते हैं। दोपहर की लीला वही चलती है ना, राधा कुंड में सब लीला चलती है। दोहार उज्ज्वल मधुर जे रस वर्ण विपरय करिया। राधा कृष्ण कृष्ण राधा, देखिये राधा कृष्ण इन दोनों नाम से भी श्रेष्ठ है हरे कृष्ण। क्योंकि वेदों में लिखा गया है कि जिस मंत्र को गुप्त रखा जाता है उसमें और ताकत आ जाता है। राधा रानी का नाम है लेकिन गुप्त रूप में हरे में छिपा हुआ है, इसीलिए हरे शब्द राधा से भी अधिक शक्तिशाली, राधा कहने से भी अधिक ताकत है हरे में। हरी हरे धातु से हरा बन गया है। श्रीजी गोस्वामी पाद कहते हैं सर्व चेतो हर कृष्ण तस्य चेतो हरत्य सब वैद्यक्ति सार संभूता तदो राधा हरा स्मृता। ये हरा शब्द क्यों राधा रानी का हो गया? कि जगत के प्रत्येक प्राणियों के चित्त को कर्षण करने के नाम कर्षण करने के चलते कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ गया। कृष्ण कर्षति कृष्ण कृषि भूवाचक शब्द रस निवृत्ति वाचक, संसार की जो सत्ता है कृष्ण सत्ता वाचक और भूवाचक। और वैसे श्री कृष्ण को भी जो अपने गुण गणों के द्वारा हरण करती है, इसीलिए राधा रानी का नाम हो गया है हरा, और हरा शब्द के संबोधन में बन गया हरे। इसलिए जो हरे कृष्ण कहते हैं ये और ताकतवर है, क्योंकि स्वयं राधा भाव विभावित श्री गौरांग महाप्रभु इस मंत्र को जपने के कारण इसमें और ताकत आ गया। हरे कृष्ण कहने वालों को और आकर्षण करते खींचते हैं। स्वयं पुराणों में तो लिखा गया स्वयं किशोरी जी इस मंत्र की उपदेष्टा है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया है कि वृषभानु बाबा तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करने से इनकी सिद्धि लाभ नहीं हो रही, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी कहे कि देखो हम ब्रह्म को तो दे सकता हूँ लेकिन जो शक्ति देने वाला संत ही है, संत के अतिरिक्त कोई राधा रानी को प्रकट नहीं कर सकता।